हे गाइस, मैं रोहित केसरी स्वागत करता हूं आपका अल्फा ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स में। आज का हमारा जो टॉपिक्स रहेगा वो रहेगा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टेलीप्राइम। टेलीप्राइम में बिजनेस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करें। गाइस, आपको पता है जो पूरी अकाउंटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। अगर आपने ट्रांजेक्शन्स को गलत रिकॉर्ड किया है तो आपके सारे रिपोर्ट्स, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, स्टॉक समरी हो, बैलेंस शीट हो, कैश फ्लो हो, फंड फ्लो हो, रेशियो एनालिसिस हो, सारे रिपोर्ट्स आपके गड़बड़ आएंगे। आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि अकाउंटिंग के जो प्रोसेस होते हैं गाइस, दैट इज द फर्स्ट वन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन थ्रू द जर्नल एंट्री, मतलब हमें जर्नल एंट्री करना होता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन थ्रू द लेजर, मतलब लेजर्स बनाने होते हैं। फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट्स। अगर मैं टेलीप्राइम की बात करूं गाइस, तो टेलीप्राइम में हमें केवल जर्नल एंट्री करने पड़ते हैं एंड लेजर्स बनाने पड़ते हैं। ये आगे ट्रायल बैलेंस, पीएनएल एंड बैलेंस शीट टैली खुद बना देता है जर्नल एंट्रीज के बेसिस पे। तो लेजर्स कैसे क्रिएट होता है ये प्रीवियस लेक्चर में हमने सीख चुके हैं, एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं टेलीप्राइम में। पूरी अकाउंटिंग की अगर हम बात करें गाइस, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। थ्रू द अकाउंटिंग हम लोग केवल जर्नल एंट्रीज, मेनली जर्नल एंट्रीज करते हैं। और टैली की अगर बात करें तो जैसा मैंने बताया, टैली में जर्नल एंट्री के टाइम हमें केवल लेजर्स क्रिएट करना पड़ता है। आगे की अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट टैली सॉफ्टवेयर खुद कर देता है। तो आइए आज सीखते हैं कि टैली प्राइम में किस तरीके से जर्नल एंट्रीज किया जाता है। करेक्ट गाइस, अगर मैं टैली प्राइम में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने की बात करूं तो उसका जो पाथ है दैट इज द गेटवे ऑफ टैली। मैं इसको जूम कर देता हूं गाइस, दैट इज द गेटवे ऑफ टैली। आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है गाइस, देन अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना है एंड सेलेक्ट द रेलेवेंट वाउचर। वाउचर आपको बहुत ही सावधानी से सेलेक्ट करना है गाइस, बिकॉज अगर आपने वाउचर्स गड़बड़ किया, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्रिएशन ऑफ वाउचर्स बताया था कि टोटल 22 वाउचर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, रिसीट वाउचर, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जर्नल, रिजेक्शन इनवर्ड, रिजेक्शन आउटवर्ड, इस तरीके से टोटल 22 वाउचर्स होते हैं गाइस। लेकिन जो मेन वाउचर्स होते हैं दैट इज द 6 वाउचर्स। फर्स्ट वन परचेस वाउचर्स, सेल्स वाउचर्स, रिसीट वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स, कॉन्ट्रा एंड जर्नल, ये टोटल 6 मेन वाउचर्स हैं। तो आपको ये वाउचर्स बहुत ही सावधानी से करेक्ट सेलेक्ट करना है, बिकॉज अगर आप वाउचर्स गड़बड़ सेलेक्ट करेंगे तो हालांकि पीएनएल बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि अगर आपने लेजर्स की ग्रुपिंग सही किया है, डेबिट क्रेडिट सही किया है, तो ये ट्रायल बैलेंस, पीएनएल बैलेंस शीट्स, इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने गलत वाउचर सेलेक्ट कर लिया है तो। बट अगर आपने वाउचर्स गलत सेलेक्ट किया है तो प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे अगर आपको सारी परचेस की एंट्री के लिए आपको परचेस रजिस्टर पे जाना होता है, तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको एक परचेस की एंट्री करनी थी जो कि परचेस वाउचर्स में होगा, बट बाई मिस्टेक्स आपने उस वाउचर्स को जर्नल रजिस्टर में कर रखा है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, जब आप परचेस रजिस्टर की प्रिंटिंग लेंगे या परचेस रजिस्टर्स को जब देखेंगे तो वो एंट्री आपको परचेस रजिस्टर में नहीं दिखेगी, वो एंट्री जर्नल रजिस्टर में दिखेगा। तो प्रॉब्लम आपको रिपोर्टिंग पार्ट आपका गड़बड़ हो जाएगा गाइस। सो आपको बहुत ही ध्यान से वाउचर्स को, करेक्ट वाउचर्स को सेलेक्ट करना है। आइए सीखते हैं कि करेक्ट वाउचर कौन कौन से हैं, किस वाउचर में किस टाइप्स की एंट्री होती है। तो अगर हम स्क्रीन पे देखें गाइस, तो ये परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, रिसीट, पेमेंट, कॉन्ट्रा एंड जर्नल वाउचर्स के बारे में डिटेलिंग है। अगर मैं परचेज वाउचर्स की बात करूं गाइस, तो परचेज वाउचर्स में गुड्स का परचेज, अब क्वेश्चन उठता है गुड्स होता क्या है, जिस चीज का बिजनेस करते हैं गाइस वो आपके बिजनेस का गुड्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो आपके लिए एसी, फ्रीज, कूलर, व्हाटएवर, जिस चीज में आप डील कर रहे हैं गाइस, परचेज कर रहे हैं सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कॉल्ड गुड्स। ठीक है, तो अगर आप गुड्स का परचेज कर रहे हैं, चाहे वो कैश में करें या क्रेडिट में करें, उसकी एंट्री परचेज वाउचर्स में होगा। सेल वाउचर की अगर बात करें, तो अगर आप गुड्स का सेल कर रहे हैं, चाहे वो कैश में करें या क्रेडिट में करें, वो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर्स में होगा। थर्ड वन इज द रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर्स की एंट्री, अगर आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, ठीक है, कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, अदर देन कैश सेल्स, बिकॉज कैश सेल्स के लिए ऑलरेडी एक वाउचर्स बनाए सेल्स वाउचर्स। उसके अलावा गाइस ध्यान रखिएगा, कैश सेल्स के अलावा अगर बिजनेस में रिसीट हो रहा है पैसा, बिकॉज कैश सेल्स के लिए सेपरेट वाउचर्स बना हुआ है सेल्स वाउचर्स,
करेक्ट। तो उसके अलावा पैसा अगर रिसीव हो रहा है, मान लीजिए कमीशन रिसीव हो गया या किसी भी अन्य रिसीट आपके बिजनेस में हो रहे हैं, तो उसकी एंट्री जो होगी वो रिसीट वाउचर्स में होगी। नेक्स्ट वन इज द पेमेंट वाउचर्स की अगर बात करें गाइस, तो पेमेंट वाउचर्स में जो भी पैसा आप पे कर रहे हो, चाहे कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, अदर देन कैश परचेज, जब आप नगद में कोई गुड्स खरीदते हैं तो उसके उस टाइम भी आप पेमेंट करते हो, बट उसकी एंट्री परचेज वाउचर्स में होगा। उसके अलावा अगर आप पेमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप सैलरी दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, इन तमाम खर्चों को आप पे आउट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री जो होगी वो पेमेंट वाउचर्स में होगी। कॉन्ट्रा वाउचर, नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर्स मीन्स, ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रा वाउचर्स का नाम कॉन्ट्रा क्यों पड़ा, कॉन्ट्रा की एक्चुअल मीनिंग होती है अपोजिट। जब हम कॉन्ट्रा वाउचर्स की एंट्री करते हैं, जब ये सब्सिडरी बुक्स कैश बुक की बात करें, तो कॉन्ट्रा वाउचर्स की जितनी भी एंट्री होती है, कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होते हैं, वो दोनों साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर्स में मेनली कौन कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं, बैंक में पैसा जमा करना, बैंक से पैसा निकालना, अपने ही एक बैंक से अपने ही दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना, पेटी कैश को मेन कैश बुक में, कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना, ये सारे एंट्रीज होते हैं वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाते हैं, जिसमें एक अकाउंट कैश रहेगा, दूसरा अकाउंट बैंक रहेगा, या एक कैश और दूसरा पेटी कैश अकाउंट रहेगा। तो ये एंट्री जितने भी होती हैं वो दोनों साइड, कैश बुक के दोनों साइड में पोस्टिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, बैंक में आपने 10,000 रुपये जमा किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक कैश बुक के बैंक के डेबिट कॉलम में एंट्री होगा, और कैश बुक के क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में कैश की एंट्री होगा। करेक्ट गाइस, तो ये कॉन्ट्रा वाउचर कहलाते हैं, बिकॉज ये कैश बुक के दोनों साइड में पोस्टिंग इसकी होती है। अगर इस साइड हो रही है लेफ्ट साइड, तो उसके राइट साइड में भी एंट्री, अपोजिट साइड्स में एंट्री होगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा वाउचर्स। करेक्ट गाइस, तो कॉन्ट्रा वाउचर्स में बैंक में पैसे जमा करने, बैंक से पैसे निकालने, या अपने ही एक बैंक से अपने ही दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना, या पेटी कैश बुक से कैश मेन कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना, या मेन कैश अकाउंट से पेटी कैश अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना, कॉन्ट्रा वाउचर्स कहलाता है। एंड लास्ट वन इज द जनरल वाउचर्स। जनरल वाउचर इज द रेजिडुअल वाउचर। रेजिडुअल मीन्स कि जो एंट्री इन ऊपर वाले वाउचर्स में फॉल नहीं करेगा, वो एंट्री आपके जनरल वाउचर्स में फॉल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एसी परचेज किया क्रेडिट में, चूंकि एसी आपके बिजनेस का गुड्स नहीं है, ठीक है, आप अपने ऑफिस में एसी लगाने के लिए परचेस किया है और वो क्रेडिट में परचेस किया है, तो वो चूंकि गुड्स नहीं है तो परचेज वाउचर्स में एंट्री नहीं होगी। अगर आप कोई चीज सेल नहीं कर रहे हैं, एसी को सेल नहीं कर रहे हैं, तो ये सेल्स वाउचर में एंट्री नहीं होगी। रिसीट, चूंकि पैसा आ नहीं रहा है ना, तो रिसीट वाउचर में होगा। पेमेंट कर नहीं रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में नहीं होगा। कॉन्ट्रा हो नहीं रहा है, दैट इज आप कैश टू बैंक, बैंक टू कैश नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रा वाउचर्स में नहीं होगा। तो ये एंट्री फिर कहाँ होगा? जनरल वाउचर्स। कोई भी ट्रांजेक्शन जो ऊपर वाले वाउचर्स के क्राइटेरिया में फॉल नहीं करता है गाइस, उसकी एंट्री आपको सिंपली जनरल वाउचर्स में कर देना है। ठीक है गाइस, तो आइए चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे, टैली प्राइम स्क्रीन पे, और वहां देखते हैं किस तरीके से एंट्री होगा। आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ गाइस, टोटल 10 क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन मैं करके दूंगा एंड 5 क्वेश्चन आपको खुद करना है। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं, इसके पहले पाथ पे चलते हैं। पाथ इसका क्या है गाइस, जैसा मैंने बताया, गेटवे ऑफ टैली अकाउंटिंग वाउचर, सेलेक्ट द रेलेवेंट वाउचर। अब ये रेलेवेंट वाउचर क्या है, ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आते हैं टैली प्राइम में गाइस। सो गेटवे ऑफ टैली पे ऑलरेडी हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे हैं। आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे वाउचर्स पे गाइस, आपको वाउचर्स पे एंटर करना है। एंड सबसे पहले आपको रेलिवेंट वाउचर सेलेक्ट करना है। अगर वर्टिकल बटन बार में आप देखे गाइस, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा के लिए शॉर्टकट की दिया हुआ है F4, रिसीट के लिए दिया है F6, सेल्स के लिए दिया हुआ है F8, परचेज के लिए F9, इस टाइप के शॉर्टकट की दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो आपको रेलिवेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। एक एंट्री उठाते हैं एग्जाम्पल्स के लिए और इसको करके देखते हैं गाइस। यहाँ पे अगर एक्सरसाइज में पहले एंट्री अगर हम मैं लूँ, नितिन इन्वेस्टेड 50,000 कैश एंड 5 लाख बाई चेक टू स्टार्ट द बिजनेस। नितिन जो कि बिजनेस का ओनर है गाइस, वो 50,000 रुपीज कैश और 5 लाख रुपीज बाई चेक, टोटल 5,50,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी एंट्री बेसिकली क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज, टू कैपिटल अकाउंट 5,50,000। ये कैसे होगी, इसके लिए हमने आपको ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में समझा दिया है गाइस, कि इसके थ्रू कैसे जनरल एंट्रीज, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा एंड कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। आइए इसकी एंट्री हम लोग टैली प्राइम में करके देखते हैं गाइस। यहाँ पे चूंकि अब हमें पहले ये देखना है कि कौन से वाउचर्स में फॉल करेगा,
तो ये इस केस में नितिन बिजनेस में पैसा लगा रहा है, मतलब बिजनेस में क्या हो रहा है, बिकॉज आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है। तो बिजनेस में कैश और बैंक आ रहा है, रिसीट हो रहा है, पैसे रिसीट हो रहे हैं, तो इसकी एंट्री जो होगी वो रिसीट वाउचर्स में होगा। एंड रिसीट वाउचर्स के लिए शॉर्टकट की जो दिया है गाइस, दैट इज द F6। यहाँ F6 प्रेस करेंगे गाइस, और यहाँ क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा। तो मैं यहाँ कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करूंगा। टोटल कैपिटल उसने लगाया 5,50,000 रुपीज, तो मैं 5,50,000 लूंगा। एंटर करूंगा कैश 50,000, यहां मैंने 50,000 लिया। एंड बैंक अकाउंट करेंगे, डेबिट करेंगे बैंक अकाउंट 5,00,000 रुपीज। और यहां अगर नरेशन आपको लिखने हैं गाइस, तो आपको यहां नरेशन आप लिख सकते हैं। एंड एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिलेवेंट वाउचर सेलेक्ट करना है। साथ ही साथ आप जिस डेट का ये ट्रांजेक्शन है वो डेट डालने के लिए आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, F2 करके आप जो भी डेट की एंट्री करना चाहते हैं वो डेट यहां पे पुट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकेंड में सेलेक्ट करूंगा गाइस, तो यहां पे आपको सेकेंड में देखने को मिलेगा। यहां पे आपको सेकेंड में ट्रांजेक्शन, जो भी डेट का ट्रांजेक्शन है वो डेट F2 के हेल्प से आप पुट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हमने देखा कि एंट्री कैसे टैली प्राइम में होता है। अगर ये जो भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किया गया, अगर आपको देखना है उसको, कि आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, देन डे बुक पे जाना है। यहां पे मैं डे बुक पे जाऊंगा गाइस, एंटर करूंगा। तो आपने जिस डेट की एंट्री किया है, मैंने यहां पीरियड डाल दिया 1 अप्रैल टू 2 फॉर एग्जांपल। तो अभी हमने जो एंट्री किया है, दैट इज 5,50,000 का, ये 5,50,000 की एंट्री आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप गेटवे ऑफ टैली में डे बुक पे जाके सारी एंट्रीज देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी आप डे बुक करेंगे तो वहां ऑल्ट F2 करके जिस पीरियड की एंट्री आप देखना चाहते हैं, जिस मंथ का देखना चाहते हैं गाइस, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो उस मंथ में सारी एंट्री आपको देखने को मिलेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही डिपॉजिटेड ₹5,000 आउट ऑफ कैश इन द बैंक। उसने ₹5,000 का कैश बैंक में जमा कर लिया गाइस। आइए इसकी एंट्री क्या होगी, बेसिकली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। और ये कौन से वाउचर्स में फॉल करेगा गाइस, कॉन्ट्रा वाउचर्स, बिकॉज इसमें एक अकाउंट कैश हो रहा है और एक अकाउंट बैंक हो रहा है। तो हमने आपको बताया था कॉन्ट्रा में बैंक में पैसा जमा करना, बैंक में पैसा निकालना, अपने ही एक बैंक से अपने ही दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना, या मेन कैश बुक से पेटी कैश बुक में ट्रांसफर करना पैसा, ये सारी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर्स में होती है। तो कॉन्ट्रा वाउचर्स में हम इसकी एंट्री करेंगे गाइस। एंट्री करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, एंड देन हम वाउचर्स पर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो भी डेट हमें पुट करना है, फॉर एग्जांपल सेकेंड में, हमने सेकेंड में ले लिया। और उसके बाद हम क्या सेलेक्ट करेंगे गाइस, वाउचर सेलेक्ट करेंगे। वाउचर्स के लिए आपको प्रेस करना है गाइस F4। मैंने यहाँ F4 प्रेस किया, तो आप देख पा रहे हैं ये वाउचर्स कॉन्ट्रा ओपन हो चुका है। यहाँ पे क्रेडिट क्या करना है, कैश करना है। यहाँ कैश किया हमने, अमाउंट डाल देंगे 5,000, एंड डेबिट में बैंक अकाउंट करेंगे गाइस, एंटर करेंगे। एंड नरेशंस जो भी पुट करना होगा, नरेशंस आप पुट करेंगे, एंड एक्सेप्ट करके इसको यस करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये सेकेंड एंट्री पुट कर लिया। आते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। परचेज गुड्स ऑफ रुपीज फॉर रुपीज, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 5,000 अगेंस्ट कैश। हमने ₹5,000 कैसे गुड्स परचेस किया, इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नाउ द क्वेश्चन इज, जब मैं ये पहचान लिया हूं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, अब क्वेश्चन ये उठता है गाइस कि इसको किस वाउचर्स में हमें एंट्री करना है। तो हमने, तो मैंने बताया था कैश या क्रेडिट में अगर आप गुड्स परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री परचेज वाउचर में होगा, तो ये एंट्री आपकी परचेज वाउचर्स में होगा। चलिए इसकी एंट्री करते हैं परचेज वाउचर्स में। परचेज के लिए आपको शॉर्टकट की यूज करना है F9। मैंने कीबोर्ड से F9 सेलेक्ट किया गाइस यहां, एंड इसको मैं डेबिट क्रेडिट मोड में कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या करना है, जो भी डेट, सपोज ये सेकेंड में की एंट्री हम करना चाहते हैं सेकेंड में, क्रेडिट क्या होगा गाइस, यहां पे कैश होगा, कैश एंटर किया Ctrl+A, एंड यहां 5,000 रुपीज क्रेडिट करेंगे, एंड डेबिट में परचेज अकाउंट, एंड 5,000 रुपीज एंटर एंटर एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से ये परचेस, कैश परचेस की एंट्री थर्ड नंबर की हमारी एंट्री हो गई। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4, परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड पेड फॉर ₹2,50,000 बाई चेक। क्या क्या, एक बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं और उसके लिए बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं ₹2,50,000।
एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आइए चलिए ये एंट्री करते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि ये कौन से वाउचर्स में होगा, क्या ये परचेज वाउचर्स में होगा, हम लोग बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं। आंसर इज नो, यहां आप गलती नहीं करेंगे गाइस, हम कोई बिल्डिंग मेरा गुड्स नहीं है, मतलब बिल्डिंग का हम कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं गाइस, ठीक है, ये हमारे बिजनेस का गुड्स नहीं है, इसलिए इसके एंट्री परचेज वाउचर्स में नहीं करना है। ये एंट्री चूंकि पेमेंट कर रहे हैं तो ये पेमेंट वाउचर्स में होगा। अक्सर ये मिस्टेक्स हम लोग देखते हैं कि गुड्स का परचेज या किसी भी चीज का परचेज नॉर्मल ये अकाउंटेंट लोग किसी भी परचेज वाउचर से पुट कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, दैट इज टेक्निकल मिस्टेक्स है। आपको ये बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, आपको ये चेक करना है कि जो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, जो भी चीजें हम परचेज कर रहे हैं गाइस, वो क्या गुड्स है या अदर थिंग्स है, ठीक है। अगर अदर थिंग्स है तो वो परचेज वाउचर में फॉल नहीं करेगा। तो आइए हम लोग यहाँ पेमेंट वाउचर्स पे चलते हैं गाइस। यहाँ बिल्डिंग अकाउंट, क्या हमें बिल्डिंग का लेजर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऑल्ट सी करके ऑनलाइन लेजर क्रिएशन बनाएंगे, ऑल्ट सी किया और यहाँ पे हम लोग बिल्डिंग का लेजर्स बनाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट। अब ये क्वेश्चन उठता है अंडर में कि ये कौन से ग्रुप में फॉल करेगा, जिसका ऑलरेडी हमने लेजर्स ग्रुपिंग का आपको लेक्चर्स लिया है गाइस, उसको आप लोग देख लेंगे। ये एक फिक्स्ड असेट्स है तो यहां पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे फिक्स्ड असेट्स, यहां पे आपको फिक्स्ड असेट्स करेक्ट, कंट्रोल ए करके मैं सेव करूंगा। और इसने बिल्डिंग परचेस किया है 2,50,000 रुपीज का, यहां पे मैं 2,50,000 गाइस पुट करूंगा एंड एंटर करूंगा। बैंक अकाउंट चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है तो वहां बैंक अकाउंट आएगा गाइस, एंड एंटर करेंगे, कंट्रोल ए किया, एंटर एंड सेव कर लिया गाइस। इस तरीके से एंट्री नंबर 4 हमने कंप्लीट किया गाइस। आते हैं नेक्स्ट एंट्री, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वन इज द परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मेसर्स हरी एंड कंपनी फॉर ₹1,00,000। क्वेश्चन में ये नहीं बताया गाइस कि ये जो परचेस किए हैं गुड्स, ये कैश में हुआ या क्रेडिट में हुआ है। जब भी क्वेश्चन में ये साइलेंट रहे कि ये गुड्स परचेस जो हुआ है कैश में हुआ है या क्रेडिट में हुआ है, तो वहां पे अगर कैश वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ है तो क्रेडिट में मानेंगे, प्रोवाइडेड वहां पार्टी का नाम दिया होना चाहिए। यहां मिसर्स हरी एंड कंपनी का नाम दिया है, मान लो केवल ये लिखा होता परचेज गुड्स फॉर ₹1,00,000, पार्टी का नाम भी नहीं दिया है और कैश या क्रेडिट है ये भी नहीं दिया है, तो वहां पे हमको कैश यूज करना पड़ेगा। इसके पीछे लॉजिक ये है गाइस कि अगर मान लो आपने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज गुड्स फॉर ₹1,00,000, यहां पे गाइस किससे परचेज किया ये मेंशन नहीं है, ना तो ये मेंशन है कि ये कैश है या क्रेडिट है, तो आपको कैश मानना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप क्रेडिट मानेंगे तो कौन से पार्टी को आप क्रेडिट करेंगे, ये चीजें क्लियर नहीं होगी, तो इसको हम कैश मान के, कैश परचेज मान के, कैश को क्रेडिट, कैश परचेज मान के गाइस इसको कैश को क्रेडिट कर लेंगे। और अगर पार्टी का नाम दिया है मेसर्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेसर्स हरी एंड कंपनी, और ये नहीं बताया ये कैश या क्रेडिट है, तो वहां पे हम उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हैं। तो यहां पे कैश और क्रेडिट नहीं लिखा है गाइस, पार्टी का नाम दिया हुआ है, अमाउंट इज द ₹1,00,000, इसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे और एंट्री इसकी हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स हरी एंड कंपनी। आइए इसको टैली प्राइम में करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक वाउचर सेलेक्ट करेंगे गाइस, वाउचर्स क्या हो जाएगा आपका F9 परचेस के लिए, F9 सेलेक्ट करेंगे एंड इसको डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में भी एंट्री आपको करना है, बिकॉज इनवाइसिंग मोड आगे मैं आपको बताऊंगा, देन हमको इनवाइसिंग मोड में करना है। अगर ये मान लो डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं है, आपको एज वाउचर मोड में करना है, तो आपको कहाँ जाना है, कंट्रोल एच, यहाँ पे आप देख रहे हैं चेंज मोड, कंट्रोल एच यूज करना है। जैसे ही आप कंट्रोल एच यूज करेंगे, वहां पे आपको ये पूछेगा कि आप आइटम इनवाइस में एंट्री करना चाहते हैं, अकाउंटिंग इनवाइस या एज वाउचर्स। एज वाउचर्स मींस होता है डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट, तो हमें एज वाउचर्स यहाँ सेलेक्ट कर लेना है गाइस। यहाँ पे मान लेते हैं 2 मई को ये एंट्री करना है, 2 मई को करेंगे। यहाँ मिसर्स हरी एंड कंपनी का लेजर्स नहीं दिख रहा है गाइस, मतलब वो लेजर्स नहीं बना है, तो ऑनलाइन लेजर क्रिएशन ऑल्ट सी का यूज करेंगे गाइस एंड यहाँ पे हम बनाएंगे मिसर्स हरी एंड कंपनी, एंटर करेंगे एंड ये सन्डे क्रेडिटर्स के पे ग्रुपिंग होगा बिकॉज ये हमारा सप्लायर है, कंट्रोल लेकर के सेव किया एंड यहां अमाउंट डालेंगे गाइस ₹1,00,000, डेबिट करेंगे परचेज अकाउंट एंड एंटर एंटर। तो इस तरीके से ₹1,00,000 का गुड्स हमने मेसर्स हरी एंड कंपनी से परचेज किया और उसकी एंट्री किया गाइस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको एंट्री करना है गाइस, ठीक है। एक बार मैं इसको क्रक्स आपको फिर से बता देता हूं गाइस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद वाउचर्स पे जाना है, वाउचर्स पे जाने के बाद आपको रेलिवेंट वाउचर्स सेलेक्ट करना है, जो मेन 6 वाउचर्स हैं परचेस सेल्स रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा एंड जर्नल, आपको वो कौन से वाउचर्स में फॉल कर रहा है उसको आपको डिसाइड करके उस वाउचर्स को आपको सेलेक्ट करना है। F2 से आपको डेट प्रेस करना है, जिस भी डेट की ट्रांजेक्शन है F2 करके आप डेट प्रेस कर लेंगे।
मान लीजिए अगर आप परचेज सेल्स के एंट्री कर रहे हैं और वो डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं है, मान लीजिए इन्वेस्टिंग मोड में है, तो आपको कंट्रोल एच क्लिक करना है गाइस। कंट्रोल एच करके मोड को चेंज करना है, बिकॉज आज के लेक्चर्स में हम लोग केवल डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में एंट्री करना सीख रहे हैं गाइस। इन्वेस्टिंग मोड में कैसे एंट्री होती है वो आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो कंट्रोल एच करके आपको डेबिट एज वाउचर मोड सेलेक्ट करना है, आपको कंट्रोल एच प्रेस करना है, एज वाउचर मोड को आपको सेलेक्ट करना है, जिससे आपकी एंट्री डेबिट एंड क्रेडिट में आप कर पाएंगे। अगर ये बात रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा की गई, अगर आप रिसीट पेमेंट कॉन्ट्रा में कोई एंट्री कर रहे हैं और वो आपको डेबिट क्रेडिट मोड में नहीं दिख रहा है गई, तो वहां पे भी आप कंट्रोल एच सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल एच करने के बाद, क्लिक करने के बाद आपको डबल एंट्री मोड सेलेक्ट करना है, जिससे आपकी एंट्री डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में हो जाएगा। इससे जो भी चीजें हमने गई आपको बताया, इससे स्टेप बाय स्टेप ये नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये YouTube पे वीडियो देख रहे हैं गाइस, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा गाइस। एंड अगर आप ये ऑनलाइन हमारे मोबाइल ऑनलाइन कोर्सेज को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको पता ही होगा कि सारे नोट्स डेज वाइज आपको एक जगह देखने को मिलेंगे एंड सारे वीडियोस सिक्वेंस वाइज एक जगह आपको देखने को मिलेंगे, जहां आप इजिली पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं गाइस। ऑनलाइन कोर्सेज की फीस बहुत नॉमिनल है, 999 में आप 999 रुपीज में ये कोर्सेज कर सकते हैं और घर बैठ के बड़े आसानी से टैली प्राइम कोर्सेज को सीख सकते हैं गाइस। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिया है गाइस, मोबाइल नंबर्स आप वहां पे कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।